हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन के रिगार्डिंग, लाइक बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेज जो आप कर सकते हो, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज ये आ रही थी कि मैम हमें एनटीटी 2 इयर्स करना है। तो उनको मैंने वही बताया था कि एनटीटी जो 2 इयर्स होता है वो एनसीटी के अंडर होता है, डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप रेगुलर करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए करना चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट पोस्ट अप्लाई करनी है, तो उसके लिए डीपीएससी कोर्स होता है, उसकी लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो वीडियो चेक कर सकते हो। डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, जिसके जो फॉर्म है इंट्रेंस टेस्ट के, वो मई में आने वाले हैं। अगर आपकी 24 एज है और जस्ट फॉर वो गर्ल्स के लिए है, तो अगर आपकी 24 एज है तब आप वो डीपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट अनदर कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स है जिसकी एज 24 से अबव है, और मीनिंग वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट जॉब लेने के लिए करना चाहते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन प्लस टू है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, बट फिर भी उनको पोस्ट नहीं मिल रही। वो पोस्ट लेने के लिए कोई अनदर कोर्स करना चाहते हैं प्री प्राइमरी के लेवल का, ताकि उनको प्राइवेट जॉब मिल जाए। तो इसी वीडियो में मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करूंगी कि आप कौन कौन से कोर्स है कर सकते हो, और 1 ईयर कर सकते हो, 2 ईयर कर सकते हो, तो वो कोर्स करने के बाद आप कोई भी प्राइवेट जॉब ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट अप्लाई करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया होता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप वो फुलफिल करते हो तभी जाकर आप गवर्नमेंट पोस्ट मिलेंगे। क्योंकि अभी के लिए तो गवर्नमेंट पोस्ट में 2 इयर्स का रेगुलर कोर्स मांगा जाता है, डिस्टेंस लर्निंग वाला कंसिडर नहीं किया जाता। तो जितने भी मैं आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करूंगी, ये आपका एज अ प्राइवेट जॉब के लिए फुल वैलिड रहेंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एज अ गवर्नमेंट के लिए आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा आपके पोस्ट का। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि कौन सा कोर्स आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और उसके बेस पे आप इजिली प्राइवेट जॉब कैसे ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्टली देखिए, चाइल्ड एजुकेशन, इसमें एनटीटी और पीटीटी के रिगार्डिंग कोर्सेज रहेंगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। अगर आप प्लस टू हो, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, या फिर आपने प्लस टू कर रखी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है, बट उसके बाद आपकी मैरिज हो चुकी है, आपने कुछ नहीं किया, तो प्लस टू के बाद आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इजीली किसी भी स्कूल में प्राइवेट टीचर लग सकते हो। फर्स्ट है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, आप ये डिप्लोमा भी कर सकते हो, 1 ईयर का है। उसके बाद डिप्लोमा इन प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये डिप्लोमा भी कर सकते हो, ये भी 1 ईयर का है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स डिप्लोमा करना चाहते हो। डिप्लोमा इन नर्सरी एजुकेशन, जैसे कि एनटीटी आपको पता है, ये एनसीटी के जितने भी डिप्लोमेस में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सभी एनसीटी के अंदर है, नेशनल कैपिटल डायरेक्टर के अंदर रहेंगे, जो कि वोकेशनल है, डिस्टेंस लर्निंग है। डिप्लोमा इन मॉन्स्टरी एंड चाइल्ड एजुकेशन कर सकते हो, डिप्लोमा इन चर्च एंड प्री स्कूल मैनेजमेंट का कर सकते हो। जैसे बहुत सारी लेडीज जिनकी लाइक ग्रेजुएशन है, और उनका मन के चलो ये चीज होती है, एम होता है सॉरी गाइस, उनका एम होता है कि हमें अपना प्री स्कूल खोलना है, या फिर अगर कोई प्री स्कूल ओपन है तो वहां पे उनको मैनेजमेंट की जॉब चाहिए, तो इस डिप्लोमा की बेस पे वो ले सकते हैं। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा आज गला बहुत खराब है। यस, तो वो अपनी जो ये पोस्ट है लेने के लिए, मैनेजमेंट का पोस्ट लेने के लिए, ये डिप्लोमा करके अपनी पोस्ट को ले सकती है। बस इनके लिए, सबके लिए प्लस टू मेन चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम क्या होता है, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती है या फिर बॉयज होती है, उनकी प्लस टू तो है, बट आफ्टर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जिसकी वजह से उनकी जो स्टडी है उसमें गैप आ जाता है, और आफ्टर पे बोल देते हैं कि अभी तो प्लस टू है, हमने कुछ नहीं करना। बट अगर आपका एम है टीचिंग लाइन में जाने का, तो आप इस शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज को करके अपना टीचिंग कैरियर शुरू कर सकते हो। डिप्लोमा इन मास्टरी एंड चाइल्ड एजुकेशन हो गया। नंबर 7, डिप्लोमा इन आंगनवाड़ी वर्कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है, मान के चलो बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे हैं, डिप्लोमा इन आंगनवाड़ी वर्कर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्कर की जो वैकेंसीज निकलती रहती है, आपको भी पता है, वहां पे अगर मान के चलो जो उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, वो आप फुलफिल करती हो, क्योंकि वहां पे 10th और प्लस टू मेन मांगा जाता है, वो चीज तो आपके पास होगी। बट उसके साथ अगर आप ये डिप्लोमा आंगनवाड़ी वर्कर लेके जाओगे ना साथ में, अगर आप ये डिप्लोमा करते हो, तो आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, और आपकी पोस्ट सिलेक्शन होने के लिए बहुत ही मीनिंग, आपके ज्यादा मार्क्स होंगे तो आपकी इजिली पोस्ट आपको मिल जाएगी। डिप्लोमा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की पोस्ट के रिगार्डिंग, अगर आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हो, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह होती है, और आपके पास ये डिप्लोमा होता है, तब भी आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि ये जो डिप्लोमा है ये इग्नू यूनिवर्सिटी पे प्रोवाइड करती है, और एनसीटी के अंडर भी ये वोकेशनल में ये डिप्लोमा है, तो अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर भी कर सकते हो, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप एनसीटी के अंडर करना चाहते हो तो एनसीटी के अंडर भी कर सकते हो। उसके अलावा भी मान के चलो जितने भी मैंने डिप्लोमे बताए हैं, उसके बाद किंडरगार्टन का आपका आ गया, नर्सरी एजुकेशन का आ गया,
इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट का आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अभी प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पे आर्ट टीचर्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको आर्ट का काम करना पसंद है, आपके पास स्किल है, क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज है ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, अगर आपके पास आर्ट का स्किल है, आप अच्छी आर्ट करते हो, तो आप ये 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर लग सकते हो। आपका इस कोर्स के बेस पे, सर्टिफिकेट के बेस पे इजिली आपको जॉब मिल जाएगी। एडवांस डिप्लोमा आ जाएगा आपका वही चाइल्ड एजुकेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद डिप्लोमा इन प्री स्कूल आ जाएगा आपका, जिसको आप डीपीएससी बोलते हो। ये आपका 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, ये पूरा डिप्लोमा नहीं रहेगा, 2 साल का नहीं होगा, ये जस्ट आपकी एक ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग के बेस पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद भी अलग अलग कैटेगरी से उन्होंने बता रखी है, जैसे मान के चलो मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग सभी कैटेगरी से आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो जितने भी ये डिप्लोमे है ये सभी हमारे पास है, मैं सभी डिप्लोमे को कंसिडर करती हूँ और एजुकेशन के रिगार्डिंग बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको इन डिप्लोमे को आपने करना है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, सभी डिप्लोमेस को आप ऑनलाइन कर सकते हो। एग्जाम देने के लिए आपको हमारे सेंटर में विजिट करना होता है। इसकी फुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस डिप्लोमे को कर सकते हो। बस लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी डिप्लोमेस की इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये सभी वोकेशनल है, डिस्टेंस लर्निंग है। ये मैं प्रेफर करती हूँ उन कैंडिडेट्स को, उन गर्ल्स को या उन लेडीज को जिनने प्लस टू करने के बाद कुछ भी नहीं किया या फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया, बट अभी भी उनके मन में है कि वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमा करके वो अपनी टीचिंग जो कैरियर है उसको फिर से शुरू कर सकते हैं और इस डिप्लोमे के बेस पे वो इजीली प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड करते हैं आपका नोटिफिकेशन कि वहां पे वो कौन सा सर्टिफिकेट कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास एंड लाइक वो डिस्टेंस लर्निंग वाला कंसीडर करते हैं, तब आप गवर्नमेंट पोस्ट भी फिल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो का कमेंट करके बता देना, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो वीडियो लेके आएंगे अदर सेक्टर्स पे लेके आएंगे। आज जो हमारा सेक्टर था वो टीचिंग ट्रेनिंग का था, नेक्स्ट वाले सेक्टर में हम मैनेजमेंट का लेके आएंगे, या बहुत सारे सेक्टर्स है मेरे पास। अगर आप स्किल्ड कोर्स करना चाहती हो, क्योंकि ना सम कैंडिडेट्स क्या होते हैं जिसके पास स्किल होता है बट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, तो ये जितने भी कोर्सेज होती है ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय।